दोस्तों, आज लोगों में बेहद अच्छा फैशन सेंस आ चुका है। वो खुद को हर तरह से अट्रैक्टिव और फैशनेबल या अपीलिंग दिखाना जानते हैं और इसमें इनकी मदद करते हैं क्लोथ्स और फुटवेयर। बढ़ते फैशन ट्रेंड्स के साथ फुटवेयर की वैल्यू भी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और लगभग हर कोई बेहतर से बेहतर फुटवेयर का कलेक्शन करना पसंद करता है। ऐसे में कुछ ब्रांड्स की फुटवेयर हमेशा मार्केट में भारी मुनाफा कमाती है और बड़ी मात्रा में इन ब्रांड्स के सेल्स भी होते हैं। इंडिया में बहुत सी फुटवेयर कंपनी है, पर फिलहाल इस इंडस्ट्री को दो कंपनीज लीड कर रही है और वो दो कंपनीज है बाटा और रिलैक्सो। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बीच एक कंपैरिजन करेंगे, जहां हम इन कंपनीज के ब्रांड से लेकर ब्रांड एम्बेसडर्स और रेवेन्यू से लेकर रैंक्स तक हर पॉइंट्स कंपेयर करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर वन, इंट्रोडक्शन। बाटा कॉर्पोरेशन एक स्विस डोमिसाइल मल्टीनेशनल फुटवेयर और फैशन एसेसरी मैन्युफैक्चरर और रिटेलर है। बाटा कंपनी शू मेकिंग इंडस्ट्री में है और इनकी फुटवेयर सभी को बेहद ज्यादा पसंद भी है। बाटा के स्टाइलिश और कंफर्टेबल फुटवेयर की अफोर्डेबल प्राइस के कारण ये और भी खास है। वहीं रिलैक्सो एक इंडियन मल्टीनेशनल फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है। ये फुटवेयर इंडस्ट्री की एक पब्लिक कंपनी है और इंडिया की लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है। रिलैक्सो अब इंडिया की लीडिंग फुटवेयर कंपनी है, जिसके बेस्ट क्वालिटी फुटवेयर प्रोडक्ट्स लगभग हर किसी का दिल जीत सकते हैं। नंबर टू, हेडक्वार्टर। बाटा कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर लॉसन स्विट्जरलैंड में है, वहीं रिलैक्सो का हेडक्वार्टर इंडिया के न्यू दिल्ली में स्थित है। नंबर थ्री, फाउंडेड इन। बाटा की शुरुआत 24 अगस्त 1894 में, यानी आज से 126 ईयर्स पहले हुई थी। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रिया हंगरी में हुई थी। वहीं रिलैक्सो को साल 1976 यानी आज से 46 ईयर्स पहले शुरू किया गया था। रिलैक्सो शुरुआत से ही इंडियन कंपनी है। नंबर फोर, फाउंडर्स। बाटा के फाउंडर्स थॉमस बाटा थे। 3 अप्रैल साल 1876 में थॉमस का जन्म ऑस्ट्रिया हंगरी में हुआ था। थॉमस चेक एंट्रप्रेन्योर और बाटा कंपनी के फाउंडर थे। उस वक्त भी बाटा वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट फुटवेयर मल्टीनेशनल रिटेल मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर थी। 12 जुलाई 1932 यानी 56 ईयर्स की एज में ही थॉमस बाटा के सक्सेसफुल करियर का अंत हो गया, क्योंकि एक प्लेन एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई थी। थॉमस बाटा के हाफ ब्रदर जैन एंटोनी बाटा ने थॉमस के बाद इस कंपनी को बेहतरीन तरीके से संभाला और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान भी इसे पूरी तरह खत्म होने से बचाया। बाद में थॉमस बाटा के बेटे थॉमस जे बाटा ने इस कंपनी को फिर से रीबिल्ड कर एक्सपांड किया। थॉमस जैन बाटा ने बाटा कंपनी को 1940 से 1980 तक संभाला। 1 सितंबर 2008 में 93 ईयर्स की एज में थॉमस जैन बाटा की मृत्यु हो गई। वहीं रिलैक्सो कंपनी के फाउंडर दिल्ली के रहने वाले दो भाई मुकुंद लाल दुआ और रमेश कुमार दुआ है, जिनकी मेन इनकम रिलैक्सो फुटवेयर से होती है। रमेश कुमार दुआ इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। वहीं मुकुंद लाल दुआ इस कंपनी को डायरेक्टर ऑन दी बोर्ड के रोल में संभालते हैं। इन दोनों भाइयों ने इस कंपनी को 1976 से शुरू किया था। नंबर फाइव, एरिया सर्व। दोनों ही कंपनीज वर्ल्ड वाइड एरिया सर्व करती है, यानी ये दोनों ग्लोबल लेवल बिजनेस करती है। आपको बता दें कि बाटा 70 से भी ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है और इसका प्रोडक्शन 18 कंट्रीज में होता है। वहीं रिलैक्सो भी इसी तरह ग्लोबल लेवल पर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर का काम करती है। नंबर सिक्स, ब्रांड एम्बेसडर्स। दोस्तों, बाटा के ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन और लीड बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत रह चुके हैं। वहीं रिलैक्सो की बात करें तो इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और रणवीर सिंह रह चुके हैं। वहीं इसके ब्रांड्स को बॉलीवुड के कई स्टार्स जैसे श्रुति हसन, शाहिद कपूर, अक्षय कुमार, कटरीना कैफ और सोनाक्षी सिन्हा के द्वारा प्रमोट करवाया गया था। नंबर सेवन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। दोस्तों, बाटा कंपनी में कुल 35,000 एम्प्लॉयज मौजूद है। वहीं रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी में 7,851 एम्प्लॉयज शामिल है। नंबर एट, रेवेन्यू। बाटा कंपनी का रेवेन्यू वर्तमान में 3,065 करोड़ रुपीज है। वहीं रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी का रेवेन्यू 2,410 करोड़ रुपीज है। नंबर नाइन, रैंक। 364 करोड़ रुपीज के प्रॉफिट और 21,546 करोड़ के मार्केट कैपिटल के साथ बाटा फुटवेयर कंपनीज में फर्स्ट रैंक पर है। पिछले 3 सालों में बाटा की सेल्स ग्रोथ 6.5% है। वहीं 210 करोड़ का प्रॉफिट और 14,642 करोड़ के मार्केट कैपिटल के साथ रिलैक्सो फुटवेयर कंपनीज की इस लिस्ट में सेकंड रैंक पर है। पिछले 3 सालों की सेल्स के आधार पर रिलैक्सो का सेल्स ग्रोथ 11.18% है। नंबर टेन, अदर कॉम्पिटिटर्स। रिलैक्सो और बाटा में तो कड़ी टक्कर चल रही है, पर इन्हें कॉम्पिटिशन देने के लिए चेस कर रही है कुछ और भी कंपनीज, जैसे 1,900 करोड़ के टर्न ओवर वाली VKC, 670 करोड़ के मार्केट कैपिटल वाली मिर्जा इंटरनेशनल और 591 करोड़ के रेवेन्यू वाली लिबर्टी शूज कंपनी है। पर फिलहाल लीड पर तो रिलैक्सो और बाटा ही है। तो दोस्तों, आपको कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा पहनना पसंद है, रिलैक्सो या फिर बाटा? अपने जवाब कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।